हेलो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। टॉपिक का नाम है हाउ टू कस्टमाइज प्रीमियम प्रो एसेंशियल ग्राफिक्स फाइल विच इज़ नेम एज मॉर्ग फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मॉर्गेट फाइल? मॉर्गेट फाइल क्या होती है? सो बेसिकली मॉर्गेट फाइल को कहते हैं मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, जो कि बनाई जाती है एडोब प्रीमियम प्रो के लिए और जो कि आपको मिलेगी एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल में। मॉर्ग फाइल इजी टू यूज़ होती है और अच्छे अच्छे आफ्टर इफेक्ट की ग्राफिक्स मॉर्ग फाइल की मदद से प्रीमियम प्रो में ही बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे इजीली कस्टमाइज नहीं कर पाते और सारे टूल्स यूज़ नहीं कर पाते। सो आज मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि मॉर्गेट फाइल को कैसे कस्टमाइज करें अगर आपके पास सिर्फ एक टेम्पलेट है जो कि मॉर्गेट के फॉर्म में है। सो आज हम इसको कन्वर्ट करेंगे AE फाइल में, फिर आप इजीली कस्टमाइज कर पाओगे अपने सारे टूल्स को और इफेक्ट्स को। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट को मैंने ओपन किया, अब आपको मॉर्ग फाइल दिख रही होगी। सो सिनेमैटिक लोगो ओपनर वाली मॉर्ग फाइल को आपको रीनेम करना पड़ेगा। डॉट मॉर्गेट को आपको डॉट जिप लिखना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से उसका पूरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एंड देन उस फोल्डर को आपको ओपन करके जो आपके सामने दिख रहा होगा वो ये लिखा होगा प्रोजेक्ट डॉट AE ग्राफिक्स। देन उसका एक्सटेंशन आपको रीनेम करना पड़ेगा वापस डॉट जिप से एंड देन आपको दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वाला फोल्डर को खोलना पड़ेगा। अब जो आपको सामने दिखेगा वो आपकी फाइल दिख जाएगी डॉट AEP फॉर्मेट में। सो इस तरीके से आप इजीली आप किसी भी मॉर्गेट फाइल को आफ्टर इफेक्ट वाली फाइल बना सकते हैं और इजीली कस्टमाइज करके अपनी टेम्पलेट को और भी ज़्यादा अमेजिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।